दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। आज जो ये कार्यक्रम है हमारा फल सब्जियां वितरण सैनिटाइजर मास्क वगैरह ये पुदम जी जैन ने हरी झंडी दिखाकर इसको गाड़ियों को रवाना किया है। पदम जी जैन जो कि लॉयंस क्लब के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ में ये जो हमारा कार्यक्रम है कायम खां डे के रूप में हम मना रहे हैं। राजेश खान जी जो सीकर के हैं उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये गाड़ियां भेजी है। इसी के तहत राजस्थान में मैं KTC ग्रुप के जिलाध्यक्ष होने के नाते यहां पर और स्काउट गाइड कैप्टन होने के नाते स्काउट गाइड के साथ जुड़कर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं जहाँ ज़रूरतमंदों को हम लोग ये राहत सामग्री पहुँचाएंगे। हमारे रोवर रेंजर रात में जाकर सब गाँव पता करके आए कहाँ पर कौन से गाँव में किसको ज़रूरत है तो इन ज़रूरतमंदों को हम लोग फल सब्जियाँ वितरण पूरी राहत सामग्री है। इसके तहत कम से कम 450 हमारे आटे के कट्टे हैं, 200 किलो मिर्ची है और 50 किलो धनिया है, प्याज है और सब्जियां 1000 किलो के समथिंग हमारी सब्जियां हैं। ये पूरे यहां पर गांव में पुष्कर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग वितरण करेंगे। और इससे पहले हमारा वस्त्र अभियान लॉयंस क्लब के साथ जुड़कर हमारा चल रहा है। लॉयंस क्लब के अतुल जी पाटनी और पदम जी जैन ने अभी तक 5000 ड्रेसों का संकल्प लिया है और जूते जो चप्पल होते हैं बच्चों के नंगे पैर घूम रहे हैं इस चीज़ लगे धूप में वो भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो जगह जगह हम जाकर ऐसे नंगे बंगे जो बच्चे वास्तव में उनके पास कपड़े नहीं हैं उन लोगों को हम जाके कपड़े पहना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जब संगठन अच्छा कार्य करता है स्काउटिंग का तो कई संस्थाएँ आकर जुड़ रही है हमारे इस कार्य को देखते हुए। सीकर से नवाब राजेश खान जी ने कहा कि स्काउट वास्तव में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं पूरे इस अकाल में, तो उन्होंने मेरे को चुना क्योंकि मैं KTC की यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हूँ और स्काउट के कार्य को देखते हुए उन्होंने ये राहत सामग्री यहाँ पर भेजी जो हम लोग स्काउट के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से करेंगे। मेरा नाम रोशनदीप सिलमाली। गाड़ी कितनी देर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको उतार रहे हैं ऊपर रखो